देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वेंकैया नायडू देव संस्कृति विश्वविद्यालय की तरफ से आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे और विश्वविद्यालय में नव स्थापित दक्षिण एशिया शांति और सुलह संस्थान का उद्घाटन भी करेंगे। तो हरिद्वार दौरे पर रहने वाले हैं वेंकैया नायडू, कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे जिसको लेकर तमाम तैयारियां भी की जा चुकी हैं। कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के घंटाघर भगवान नरसिंह शोभा यात्रा में पहुंचे, जहां पर आरएसएस के पदाधिकारियों ने कार्यवाहक मुख्यमंत्री को मंच से सम्मानित किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2 साल के बाद कोरोना जैसी महामारी पूरी तरह से नियंत्रित है। राष्ट्रवाद के लिए दोबारा लोगों ने सरकार को चुना है। होली के इस त्यौहार में लोगों के लिए दोहरी खुशियां हैं। पहली बार गोरखपुर में 9 सीटें बीजेपी जीती है। लोगों ने राष्ट्रवाद को चुना है, इसलिए गोरखपुर में दोहरी खुशी देखने के लिए मिल रही है। जब भी सार्थक दिशा में सामूहिक ताकत के बल पर आगे बढ़ेंगे तो फिर विजय श्री का वरदान आपको अवश्य प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आप सभी विजयी हुए हैं और आगे भी जब भी सार्थक और सामूहिक भाव के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो विजय श्री आपसे कोई छीन नहीं सकता। हमें हमेशा चुनौतीपूर्ण मार्ग को चुनना होगा और चुनौतीपूर्ण मार्ग का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ना होगा, उसके लिए तैयार होना होगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा।